हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड नेक्स्ट टॉपिक इन रिसोर्स चैप्टर। टुडे टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। फर्स्ट पॉइंट, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस बिकॉज ऑफ ग्रीड। कुछ लोगों के लालच के चलते, ग्रीड के चलते आज रिसोर्स का डिप्लेशन हो गया है, कमी हो गया है, मेजर प्रॉब्लम। सेकेंड, रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स डिवाइडेड सोसाइटी हैव्स एंड हैव नॉट्स, रिच एंड पुअर। कुछ हाथों में रिसोर्स होने के चलते आज की तारीख में सोसाइटी दो भागों में बट गई है। कुछ ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे लोग जिनके पास रिसोर्स बिल्कुल नहीं है। थर्ड पॉइंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस लेड ग्लोबल क्राइसिस। एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेस, बहुत ज्यादा रिसोर्स को यूज करना, इसके चलते जो है पूरे विश्व में एक क्राइसिस हो गया है, ग्लोबल क्राइसिस हो गया है। एंड देन कंसिक्वेंसेस ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस इज ग्लोबल वार्मिंग। यू नो ग्लोबल वार्मिंग मेजर प्रॉब्लम टूडे। ओजोन लेयर प्रॉब्लम, ओजोन लेयर में होल हो जा रहा है, हुआ है। एंड देन पोल्यूशन, ओजोन लेयर प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग, ऑल आर दीज प्रॉब्लम्स बिलोंग्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। सो रेशनली यूज ऑफ रिसोर्सेस इज वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सतत विकास। चूंकि डेवलपमेंट के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स, जियोलॉजिस्ट, ज्योग्राफी के एक्सपर्ट सब बता रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट करना है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ओनली डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा, ओनली डेवलपमेंट से बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, जैसा हमने ऊपर कहा, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन इटीसी। सो टुडे टॉपिक और टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या है? डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग इन द एनवायरमेंट। हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जिससे जो है एनवायरमेंट का कम से कम जो है डैमेज हो, कम से कम नुकसान हो। एंड डेवलपमेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। साथ ही हमें जो आने वाली जनरेशन है, जो भविष्य में लोग आएंगे, उनका भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं सब कुछ हम ही यूज कर लें या उसे बर्बाद कर दें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेज, बिना एनवायरमेंट को डैमेज किए आप डेवलपमेंट करें। एंड साथ ही डेवलपमेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। भविष्य में जो अगली पीढ़ी आने वाली है, उनका भी हम ख्याल रखें, उनके लिए भी रिसोर्स बचा के रखें, उनको भी रिसोर्स चाहिए। यह है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड इसी से रिलेटेड टॉपिक है रियो डी जेनेरियो 1992 समिट।